हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कॉर्ड सेट की कटिंग। चलो स्टार्ट करते हैं। हम पहले मेजरमेंट देख लेंगे। हमारा शोल्डर है 6.5 इंच, लेंथ है 30 इंच, आस्तीन है 19 इंच और चेस्ट है 17 इंच। कमर ले लेना है, वेस्ट ले लेना है। आप पहले अपना ऐसे मेजरमेंट लिख लेना। ये पैंट का मेजर है मेरा, लेंथ 34 है, वेस्ट 26 है, उसका हाफ 13 इंच, फिटिंग है 8 इंच। अभी जो आस्तीन है, लेंथ है, चेस्ट, ये सब में 2-2 इंच मिला लेंगे सिलने के लिए। गाइस, हमें इस तरह से फैला लेना है और इसकी चौड़ाई है 13 इंच। देख सकते हैं आप, मैंने यहाँ 13 इंच लिया है। ये कॉर्ड सेट है, थोड़ा नीचे से कम रहेगा और लेंथ भी इसकी कम रहती है, क्योंकि इंडो वेस्टर्न ड्रेस में लेंथ उनकी कम ही रहती है। यहाँ पे हमारी लेंथ है 30 इंच, तो हम 32 पे निशान लगा लेंगे। तो यहाँ से हम शोल्डर ले लेंगे 6.5 इंच। वैसे यहाँ पे भी हम 6.5 इंच ले लेंगे। ये ऐसा बॉक्स बना लिए। फिर हमारी चेस्ट ले लेंगे 10 इंच। आपकी चेस्ट जितनी उतनी ले लेना है आपको। यहाँ से ये बैक पार्ट में काट रही, पहले हमको बैक पार्ट की कटिंग कर लेनी है। यहाँ से हम लेंगे 13 इंच और यहाँ से लेंगे 11.5 इंच। ये कमर रोक का निशान, ये वेस्ट का निशान। कमर हम 9.5 इंच लेंगे, इसको इससे अटैच कर देंगे। कमर लेंगे हम 10.5 इंच, इसको फिर इससे अटैच कर देंगे और फिर ये नीचे अटैच कर देंगे इधर। और यहाँ शेप देने के लिए 2 इंच हम ऊपर लेंगे। और इसको यहाँ पे हल्की सर्कल जैसी शेप दे देंगे राउंड। अब हमें इसे कट कर लेना है। इसकी लेंथ हमें वेस्ट तक ही रखनी है, मतलब ऊपर ही तक ही लेना है हमको, घुटने के ऊपर ही लेना है इसकी लेंथ, क्योंकि कॉर्ड सेट की लेंथ छोटी होती है, तब उसका लुक आता है। इसे हमको इसको बिछा लेना है। ये 1.5 इंच ज्यादा रहना चाहिए। ये बैक पैनल है, मैं इसके बैक लिख देती हूँ। ये बैक है और ये फ्रंट है। फ्रंट है ना, वो हमको थोड़ा बढ़ा के लेना है, वो भी 1.5 इंच हमको बढ़ा के लेना है। अब हमें इसे कट कर लेना है। ये 1.5 इंच इसको यहाँ से बढ़ाए है, देख सकते हैं आप गाइस,
1.5 इंच हमको इसको बढ़ाना है और फिर इसको कट करना है। ये बैक पार्ट है, फ्रंट पार्ट की कटिंग हम थोड़ा बढ़ा के करेंगे। गाइस, ये बैक पार्ट है, ये फ्रंट पार्ट है। इसको हमको थोड़ा बढ़ा के काटे, ये कॉर्सेट के आगे की हो गई है। अब इसको यहाँ से अलग कर लेंगे जो आगे वाला पार्ट है उसको। आगे वाले पार्ट में हम गला कटिंग कर लेंगे। गला हमारा है 2.5 इंच, ये चौड़ाई इसकी गले की 2.5 इंच लेंगे, लंबाई हम लेंगे 3 इंच। आगे का गला कटिंग हो गया है। अब हम काटेंगे पैंट। हाँ। अभी आस्तीन का पीस ले लेंगे हम। हमारी आस्तीन है 19 इंच, इसमें हमको कफ भी लगाना है, कॉट सेट है तो कफ भी लगेगा। तो कफ के लिए हम 2 इंच निकाल देंगे तो होएगा 17 इंच, ये हो गया 18 इंच। अब हमको यहाँ से आस्तीन का निशान सीधा सीधा लगा लेना है। यहाँ से 2.5 इंच लेना है, यहाँ से 7 इंच, ये हमारी आस्तीन का पार्ट कट चुका है। ये हमारा बैक को थोड़ा इससे बढ़ा के, फ्रंट को थोड़ा बैक से बढ़ा के काटेंगे। यहाँ गला काट लिए हम और यहाँ ये आस्तीन, ये टॉप की कटिंग हो गई है। अब हम कटिंग करेंगे पैंट। ये पैंट है, पैंट की हमारी लेंथ है 34 इंच, वेस्ट है 26। अब 26 वेस्ट है, उसका हाफ करेंगे 13 आएगा और 13 में 2 इंच और प्लस कर देंगे तो हमारा 15 आएगा। मतलब हमको वेस्ट हमारी घड़ी, मतलब ये 15 इंच से करना है क्योंकि हमारी वेस्ट के हिसाब से ही घड़ी होता है। और फिर फिटिंग, हमारी जो पैंट की नीचे की फिटिंग रहती है वो 8 इंच है, इसका हाफ करेंगे 4 आएगा। अब हम देखते हैं पैंट कैसे कटिंग करते हैं। अभी हम करेंगे पैंट की कटिंग। हमारा वो 13 था, 13 में 2 मिला है 15 हो गया, ये 15 और 2 इंच एक्स्ट्रा लेने का। ये हम लेंगे 17 इंच, इसका हाफ कर लेंगे। ये हमारा 15 इंच है, पहले 15 इंच पे ऐसे निशान लगा लेने हैं स्ट्रेट। यहाँ से हमारी क्रॉच है 15 इंच, नीचे से क्रॉच एरिया है हमारा।
क्रॉस को हम 2 इंच बढ़ा देंगे। अगर कोई मोटा है तो 2.5 इंच भी ले सकते हो, पर मैं मीडियम साइज का ही सिल रही हूँ तो मैं 2 इंच बढ़ा दूंगी क्रॉच के लिए, ये क्रॉच एरिया। अब हमको ये 15 इंच में से इसका हाफ करना है। 15 का हाफ 7.5 इंच होता है, फिर हमको 7.5 इंच 7.5 इंच पे सीधा एक निशान लगा लेना है। देख सकते हैं मैं 7.5 इंच पे निशान लगा रही हूँ। अब नीचे का था हमारा 8 इंच, इसमें आधा इंच मिलाएंगे सिलने के लिए। थोड़ा मैं ये लूजिंग पैंट रखूंगी क्योंकि लूजिंग ज्यादा अच्छा लुक आता है। मतलब यहाँ से हमको 4.5 इंच यहाँ लेना है, मतलब जो हमारा पैंट का नीचे का फिटिंग है उसको आधा करना है। जैसे हमारा 8 था, 8 का आधा 4 हुआ, तो मैं यहाँ 4.5 ले रही हूँ। थोड़ा सिलने में भी जाएगा तो आधा इंच सिलने के लिए बढ़ा रही हूँ। और यहाँ पे भी हम 4.5 ले लेंगे, जैसे यहाँ से यहाँ 4.5 लेंगे वैसे यहाँ से यहाँ 4.5 लेंगे। ये 4.5 इंच, ये 4.5 इंच, वैसे हमें यहाँ थोड़ा सा बढ़ा लेना है, यहाँ 5 कर लेना है, आधा इंच यहाँ बढ़ा लेना है। ये हमारा नी राउंड है, यहाँ हमारा घुटना आएगा तो इसलिए थोड़ा हमें बढ़ा लेना है। जितना हमको यहाँ से यहाँ हम कितना लिए, यहाँ पे ये घुटने की तरफ 5 इंच लिए, वैसे यहाँ पे भी हमको 5 इंच लेना है। फिर हमको ये पार्ट इससे जॉइंट कर देना है इस तरीके से। और हमको यहां से इधर इधर जॉइंट कर देना है। ये हमारा 15 इंच है, ये हमारा 15 इंच है, इसका हाफ लिए, ये पूरा हाफ गया 15 इंच से, ये 2 इंच नहीं, ये पूरा 17 इंच का है, पर 15 इंच पे हमारी ये हमारी कमर है तो हम ये 15 इंच पे निशान लगा। फिर हमें कमर का आधा लेना है, 15 इंच का आधा 7.5 इंच हुआ तो हमको यहाँ से 7.5 इंच 7.5 इंच 7.5 इंच पहले एक सीधा इसको एक निशान लगा देंगे। फिर उसके बाद हमको फिटिंग देखनी है, फिटिंग हमारी यहाँ थी 8 इंच नीचे की, तो हम 4.5 4.5 लिए, ये 4.5 ये 4.5, ये हमें 7.5 इंच पे निशान लगा लेना है। फिर हमको हमारा जितना भी नीचे का फिटिंग रहेगा वो हिसाब से निशान लगाना है। मेरा 8 इंच है नीचे की फिटिंग, में थोड़ा लूज रख रही हूँ। अगर आपका फिटिंग जो भी होएगा उसको आधा करना और उसमें आधा इंच मिलाना सिलने के लिए, आधा या एक, मतलब आपको जैसे ढीला उल्ला रखना है वैसे आपको मिला लेना है। फिर हम यहाँ पे हमारा है 8 इंच, तो 4.5 हो जाएगा। और यहाँ देख सकते हैं आप 4.5 इंच पर मैंने निशान लगाया है, ऐसे ही 4.5 इंच। फिर यहाँ पे आ जाएगा नी राउंड, यहाँ हमारा घुटना आएगा तो हमें इसे थोड़ा आधा इंच और बढ़ा लेना है, जितना यहाँ है उसका आधा इंच और यहाँ बढ़ा लेना है। फिर यहाँ बढ़ाने में हल्का से ऐसे साइड में निशान लगा लेना, मतलब इसको यहाँ जोड़ देना है और इसे यहाँ से यहाँ इसको ऐसे कर्व शेप में यहाँ जोड़ देना है, इसको सीधा नहीं जोड़ना है, हल्का सा कर्व शेप में यहाँ जोड़ देना है। और ये क्रॉच 2 इंच लेना है बढ़ा के, मैंने आपको बताया था। अगर कोई मोटा है तो उसके लिए 2.5 इंच ले लेना, अगर पतला है तो 2 इंच में तो एग्जैक्ट आ जाएगा। अब हमें इसे इसकी कटिंग कर लेना है, ये है पैंट, ये हमारी पैंट की कटिंग हो गई है इस तरीके से। हमको ये हमेशा बीच का हाफ लेना है। अगर आप ये हाफ करके नी कटिंग करेंगे, वो सिंपल सीधा सीधा कटिंग करेंगे ना, तो आपका ये क्रॉच एरिया से यहाँ से उचकती है पैंट। अगर आप इस स्टाइल से पैंट कटिंग करेंगे आपकी नी मतलब ऐसे ऊपर जाएगी पैंट, क्योंकि ज्यादातर पैंट यहाँ से ऊपर चली जाती है।
ये हमारी फ्रेंड की कटिंग हो गई थी और ये हमारी ऊपर टॉप की कटिंग। गाइस आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें।